अगर आप एक एनिमल लवर हैं और अगर कुत्तों के साथ आपका खासा लगाव है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम आपको कुत्तों से जुड़ी कुछ ऐसे फैक्ट्स बताएंगे जो आपको हैरान कर देंगे। अगर आप एक डॉग लवर हैं तो आपने कई सारे कुत्तों को देखा होगा या फिर उनके बारे में पढ़ा या सुना जरूर होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में एक ऐसा कुत्ता भी पाया जाता है जो कभी भौंकता ही नहीं है। आमतौर पर कुत्तों की जीभ का रंग गुलाबी होता है, लेकिन क्या कभी आपने ऐसे कुत्तों को देखा है जिनके जीभ का रंग काला होता है? वैसे तो इस दुनिया में कई सारी लड़ाइयां लड़ी गई हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सिर्फ एक कुत्ते की वजह से इतिहास में युद्ध भी लड़ा गया है? इन सारे सवालों के जवाब हम इस वीडियो में आगे देंगे, साथ ही जानेंगे कुछ और रोचक फैक्ट्स कुत्तों के बारे में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि आप तक हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो आइए शुरू करते हैं। आपने कुत्तों को भौंकते हुए जरूर देखा होगा। कुत्तों का भौंकना कोई अनोखी बात नहीं है, अक्सर कुत्ते भौंकते हुए पाए जाते हैं। दरअसल कुत्ते के भौंकने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। कभी कोई कुत्ता अगर अपने समूह से अलग हो जाता है तो अपने साथियों को इकट्ठा करने के लिए भौंकता है, तो कभी कोई कुत्ता अपने अकेलेपन से परेशान होकर भौंकता है, कभी कुत्ता भौंककर अपने गुस्से को दर्शाता है, तो कभी शाबाशी मिलने पर वो अपनी पूंछ हिलाकर भौंकने लगता है। दूसरे शब्दों में कहें तो कुत्ते भौंककर कम्युनिकेट करते हैं, और ये आम बात है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में एक ऐसा कुत्ता भी पाया जाता है जो भौंक ही नहीं सकता? जी हाँ, बेसेंजी नस्ल के कुत्ते भौंक ही नहीं सकते। इस दुनिया में एकमात्र बेसेंजी नस्ल के कुत्ते ही भौंकने में असमर्थ पाए जाते हैं। बेसेंजी नस्ल के कुत्ते ज्यादातर सेंट्रल अफ्रीका में पाए जाते हैं। इनकी लंबाई करीब 17 इंच बताई जाती है, वहीं इनका वजन 11 से 12 किलोग्राम तक हो सकता है। बेसेंजी डॉग शिकारी नस्ल के कुत्ते बताए जाते हैं, हालांकि ये अफ्रीकन बस डॉग और अफ्रीकन बार्कलेस डॉग के नाम से भी जाने जाते हैं। इन कुत्तों के नहीं भौंकने की वजह यह है कि इनका वोकल कॉर्ड इतना डेवलप ही नहीं हो पाता कि ये भौंक सके। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये कुत्ते आवाज नहीं करते, लेकिन इनकी आवाज थोड़ी अजीब होती है, जिसे योदलिंग कहा जाता है। आइए अब बात करते हैं काले जीभ वाले कुत्तों की। अगर आपने गौर किया होगा तो ज्यादातर कुत्तों के जीभ का रंग गुलाबी होता है, लेकिन कुछ ऐसे नस्ल के कुत्ते भी पाए जाते हैं जिनके जीभ का रंग काला होता है। चाऊ चाऊ नस्ल के कुत्ते अपनी सुंदरता के साथ साथ अपनी काली जीभ के लिए भी काफी प्रसिद्ध हैं। इस नस्ल के कुत्ते ज्यादातर उत्तरी चीन में पाए जाते हैं। इनकी लंबाई तकरीबन 17 से 22 इंच बताई जाती है, वहीं इनका वजन 18 से 40 किलोग्राम तक बताया जाता है। इस नस्ल के कुत्ते ज्यादातर रेड, ब्लैक, क्रीम, ग्रे और गोल्डन ब्राउन कलर में पाए जाते हैं। चाऊ चाऊ नस्ल के कुत्ते अपनी सुंदरता के लिए काफी फेमस हैं। अपने शरीर पर अत्यधिक फर होने के कारण ये कुत्ते काफी डिमांड में रहते हैं, और इनकी कीमत भी काफी ज्यादा बताई जाती है। हालांकि इनके जीभ का रंग भी इन्हें दूसरे कुत्तों से काफी अलग बनाता है। इनके जीभ का रंग ब्लू ब्लैक होता है, और इसका कारण एक्स्ट्रा पिगमेंटेशन बताया जाता है। चाऊ चाऊ के अलावा सारपाई नस्ल के कुत्तों के जीभ का रंग भी काला होता है। इस नस्ल के कुत्ते आपको ज्यादातर दक्षिणी चीन में पाए जाते हैं। इनकी लंबाई 17 से 20 इंच बताई जाती है, वहीं इनका वजन करीब 16 से 30 किलोग्राम तक बताया जाता है। इस नस्ल के कुत्ते ज्यादातर सॉलिड कलर्स जैसे कि ब्लैक, ब्राउन और क्रीम कलर में पाए जाते हैं। सारपाई नस्ल के कुत्ते ज्यादातर वॉच डॉग या फिर गार्ड डॉग के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। सारपाई नस्ल के कुत्ते अपने डीप रिंकल्स के लिए भी काफी फेमस हैं, और चाइनीज फाइटिंग डॉग के नाम से भी जाने जाते हैं। आइए अब बात करते हैं उस अनोखे लड़ाई के बारे में जो सिर्फ एक कुत्ते की वजह से लड़ी गई थी। आपने इतिहास में कई सारी लड़ाइयों के बारे में पढ़ा या सुना होगा, लेकिन आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि एक लड़ाई सिर्फ एक कुत्ते की वजह से लड़ी गई थी। बात 1925 की है। उन दिनों ग्रीस और बुल्गारिया के बीच काफी तानातानी चल रही थी, और इन्हीं दो देशों के बीच एक कुत्ते की वजह से युद्ध हुआ था। जी हाँ, कुत्ते के कारण ये दो देश आपस में भिड़ गए थे। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि ग्रीस का कुत्ता गलती से मेसेडोनिया की सीमा को पार कर गया। कुत्ते को पकड़ने के लिए उसका मालिक जो कि ग्रीस सिपाही था, वो भी मेसेडोनिया की सीमा को पार कर गया। उस समय मेसेडोनिया की सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी बुल्गारिया के सैनिकों पर थी। जब बुल्गारिया के सैनिकों ने देखा कि ग्रीस का एक सिपाही उनकी सीमा में है, तो बिना कुछ सोचे समझे तुरंत उसे गोली मार दी। इस घटना की वजह से दोनों देशों में राजनीतिक तनाव बढ़ गया, और अपने सैनिक की हत्या से नाराज ग्रीस ने बुल्गारिया पर हमला कर दिया। इस युद्ध में करीब 50 लोग मारे गए। इस लड़ाई को पैट्रिक की घटना और वार ऑफ द स्ट्रे डॉग के नाम से जाना जाता है। अब आखिर में बात करते हैं एक ऐसे कुत्ते की जिसे आज तक का सबसे हाईली ट्रेंड एनिमल कहा जाता है। दरअसल न्यूफाउंडलैंड नस्ल के कुत्ते काफी बड़े आकार में पाए जाते हैं, और इन्हें काफी समझदार भी बताया जाता है। इन्हें वाटर रेस्क्यू डॉग्स के तौर पर इस्तेमाल भी किया जाता है। सन 1962 में इंग्लैंड के वान हारे मैजिक्स
सर्कस में इस नस्ल का एक कुत्ता था जिसे नेपोलियन द वंडर डॉग के नाम से जाना जाता था। यह कुत्ता सर्कस में कई तरह के कारनामे दिखाने के लिए फेमस था। यह कुत्ता इतना समझदार था कि जब 5 मई 1968 को सर्कस के एक एक्सीडेंट में इसकी मौत हो गई तो इंग्लैंड के कई नामी अखबारों में इसकी खबर छपी थी। शेफील्ड डेली टेलीग्राफ ने तो यहाँ तक लिखा कि डेथ ऑफ अ सेलिब्रेटेड 4-फुटेड आर्टिस्ट। इस कुत्ते को द विजार्ड डॉग के नाम से भी जाना जाता है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।